सरकार के खिलाफ जनता में व्याप्त मुद्दे हैं। हम लोगों को मुद्दा खोजने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को बदलने के लिए और भाजपा को यहाँ से हटाने के लिए जनता तैयार है और उसमें चार चांद लगा रहे हैं स्थानीय। उनके जो विधायक हैं वो लोग का परफॉर्मेंस 5 सालों में इतना ख़राब है कि आप लोग बलिया में देख लीजिए, अगर ये लोग एक ईंटा लेके आए हो लखनऊ से, ये क्या मुँह लेके जाएंगे लोग वोट मांगने के लिए जनता के बीच में। जनेश्वर मिश्रा सेतु बन के तैयार है, 2 किलोमीटर का अप्रोच पिछले 3 साल में लोग नहीं बनवा पाए जिससे कि उसका उद्घाटन कर सके। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता खुद हम लोगों को इतना पसंद कर रही है कि इस बार की लड़ाई सबसे आसान है, क्योंकि जो 5 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, उस काम के सामने जोगी जी को तो यहाँ अधिकारियों ने इतना घुमाया कि पिछले 5 साल में जोगी जी अधिकारियों के चक्कर में यहाँ जो अधिकारी जितना समझाते थे उतना जोगी जी चलते थे, और जोगी जी एकदम फेलियर मुख्यमंत्री हैं। जोगी जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जनता पार्टी का कोई नेता बताए बलिया किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चला हो, लेकिन मुँह से आज तक जोगी जी से RTI से मांग करके पूछ लीजिए कि किसी दंगाई से उन्होंने वसूल किया हो कुछ रुपया। 10 मार्च को हम लोगों के लिए होली रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को चुनाव जीतेगी और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा जाएगा। क्योंकि देखिए, हम भी देख रहे हैं, जब से हम भी होश संभाले हैं उत्तर प्रदेश में कोई रिपीट नहीं किया है, और जितना बढ़िया बढ़िया सरकार चली है इस बार तो हम खुद ही आप लोग से सवाल कर रहे हैं कि बलिया में अगर कुछ हुआ हो तो बताइए आप लोग। हमारे नेता अखिलेश यादव ने 4-4 पुल दिया था बलिया को, पुल का अप्रोच नहीं बना पाए लोग, पुल पे पैसा नहीं दे पाए लोग, जो पुल बन रहे हैं उसका काम रुका हुआ है। कैसे इन लोग रिपीट करेंगे? मुंह से रिपीट करना हो तो इन लोग को तगमा अभी दे दिया जाए, लोग 10 तारीख तक खुशी मना ले, 10 तारीख तो अभी हम ही लोग खेलेंगे।